हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फंक्शन को आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग लास्ट क्लास में कुछ फंक्शनल रिलेशन पढ़े थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे भी कैलकुलस में उसका यूज होता है। ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर रैंक्स और ग्राफ। अब हम फंक्शन को काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहले का प्लान ये था कि हम थोड़ा बेसिक पढ़ा करके 12th का पोर्शन फंक्शन का पढ़ेंगे, और 11th का जो पोर्शन था जैसे ग्राफ था खास करके और रेंज सब, उसको ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि उस टाइम ये पता था कि हम लोग का बहुत जल्दी क्लास खुलने वाला है, इस कारण से अनाउंसमेंट हम किए हुए थे। लेकिन अब थोड़ा हम उसमें चेंज कर दिए हैं और हम अब चाह रहे हैं कि फंक्शन को काफ़ी डिटेल में पढ़ें। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं सब कुछ क्लियर करें अच्छा से। ठीक है, तो ग्राफ का भी पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग ग्राफ का एक बुक खरीद लेना, प्ले विद ग्राफ आता है अर्जन पब्लिकेशन में, उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, बता भी देंगे कैसे कैसे उसमें क्या सब ग्राफ पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है ना। और अभी हम लोग कुछ दिन प्रॉब्लम रहेगा, एक दो दिन के बाद हम वापस से पटना आ रहे हैं, तो फिर प्रॉपर हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों का 11th का भी और 12th का भी। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे दूसरा बोर्ड हम कहीं और है, पटना से बाहर है क्लास में। ठीक है, और किसी तरह से हम अभी इसको कर पा रहे हैं, और पटना आएंगे तो कुछ लाइव क्लास में कंडक्ट करेंगे और प्रॉपर क्लास रेगुलर रूप से आप लोग का लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसे देखिए क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, देन एफ ऑफ टू एक्स इज एफ ऑफ टू एक्स इज, ठीक है, ऑप्शन ए एफ एक्स प्लस वन बाय एफ एक्स प्लस थ्री, ऑप्शन बी थ्री एफ एक्स प्लस वन बाय एफ एक्स प्लस थ्री, ऑप्शन सी एफ एक्स प्लस थ्री बाय एफ एक्स प्लस वन, और लास्ट ऑप्शन है डी एफ एक्स प्लस थ्री अपॉन थ्री एफ एक्स प्लस वन। ठीक है, तो बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझना सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सारे एफ एक्स के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एफ एक्स दिया हुआ है ना बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसको ना वाई मान लो। ठीक है, लेट, और फिर हम यहां से एक्स को रिमूव करेंगे। ठीक है, देखो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई। ठीक है, और कैलकुलेट करो तो यहां पे हम देखते हैं कि एक्स इंटू वन माइनस वाई इज इक्वल टू वन प्लस वाई। ठीक है, अब यहां से एक्स निकाल लो, एक्स इक्वल टू क्या हो गया बेटा, वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है, वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। अब हमको पूछ रहा है एफ ऑफ टू एक्स, एफ ऑफ टू एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो फंक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, टू एक्स माइनस वन अपॉन 2x प्लस वन। ठीक है, अब x का वैल्यू ये रिप्लेस करते हैं, 2 इंटू वन प्लस वाई बाय 2 इंटू वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है, माइनस वन बाय 2 इंटू वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई प्लस वाई। ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेशन ठीक से करो, देखो 2 प्लस 2 है, तो लिख भी देते 2 प्लस 2 है माइनस 1 प्लस 1,
डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2y प्लस 1 माइनस 1। फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, 3y 3y प्लस 1 बाय 3 प्लस 1, यानी 3fx प्लस 1 बाय 3 प्लस fx, 3 प्लस fx, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। और वाई की जगह fx रिप्लेस कर दोगे तो दिखेगा बी ऑप्शन, ठीक है, नोट करो। देखो बेटा एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई कॉमा एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई, ठीक है, दैट एफ ऑफ एक्स वाई कॉस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई निकालो। ऑप्शंस दिया हुआ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई फोर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, ध्यान देना हम लोग। देखो बेटा, तो हम लोग का टारगेट ये होता है जो इनपुट है ना उसी फॉर्म में आउटपुट को दिखाना, ठीक है। तो देखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई कॉमा एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा क्या ए एक्स वाई, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस ए वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्या देगा फोर ए एक्स वाई, यानी बाय फोर कर देंगे काम चल जाएगा। और पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एफ ओ एक्स कॉमा वाई, अब यहाँ पे ए प्लस एक्स वाई की जगह पे एक्स रिप्लेस कर दो और ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स वाई की जगह पे वाई रिप्लेस कर, कौन कितना फोर, यही इसका आंसर होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है सी इज करेक्ट, ठीक है बेटा। देखो बेटा एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एस क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, देन फाइंड जी ऑफ एफ एक्स, है ना, जी में एस के जगह पर क्या है एफ एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो अगर हम जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं तो जो जी एक्स है ना उसमें एस के जगह पर एफ एक्स आ जाएगा, यानी टू एफ एक्स माइनस वन, तो टू एफ एक्स कितना एक्स के बाद माइनस वन, ये इसका आंसर है, ठीक है। और अगर हम एफ ऑफ जी एक्स लिखते हैं तो एफ एक्स में एक्स के जगह पर जी एक्स आ जाएगा, यानी जी एक्स का होल क्यूब और जी एक्स कितना टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन का होल क्यूब, और ये इसका आंसर, ठीक है। ये ऐसे कंपोजिट फंक्शन आगे पढ़ोगे तुम लोग ट्वेल्थ क्लास में, ठीक है, तो उसमें डिटेल में बताया जाएगा। अभी फिलहाल वो कितना समझना है, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया जी एक्स में एक्स के जगह पे एफ एक्स का वैल्यू रख देना, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हो गया एफ एक्स में एक्स के जगह पे जी एक्स का वैल्यू रख देना, और ये रिजल्ट, ठीक है। देखो बेटा एक और क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, ठीक है, देन एफ ऑफ वन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने पहले ये करो, ठीक है, सॉल्यूशन एफ ऑफ वन बाय एफ एक्स, तो एफ एक्स का उल्टा हो जाएगा ना बेटा, हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब ये चीज है तुम एस के जगह पर पुट करो, एफ एक्स में जो एस एक्स है ना वहां पर पूरा सिस्टम पुट करो, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन, और कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, यहाँ पर तुम्हारा एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा वन कैंसिल हो जाएगा, यानी टू बाय टू एक्स, फाइनली क्या होगा वन अपॉन एक्स, और यही आंसर,
एक बार और समझा देते हैं। देखो एफ एस का वैल्यू है एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन, वन बाय एफ एस क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे एफ ऑफ वन बाय एफ एक्स लिखना है तो ये एफ ऑफ क्या होगा एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन, ठीक है। जो एफ एस का वैल्यू है उसमें एक्स के जगह ये पूरा चीज पुट कर दो एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन माइनस वन एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन प्लस वन, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन पूरा कैंसिल करके वन बाय एक्स दे दिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ठीक है नोट करो। देखो बेटा एक क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर सेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, इनमें से कौन सा ए से ए में फंक्शन है, ठीक है। मतलब ये कंप्लीट ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के काम करना पड़ेगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम आपके बेसिक डेफिनेशन जो फंक्शन है उसी पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, समझना सही से। यहाँ पर एफ फोर दिया है एक्स कॉमा वाई सच दैट, ये जो सीधा में आया ना सच दैट का सिंबल होता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, ऐसे दो डॉट भी लिख सकते हैं सच दैट में, ठीक है। एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन फोर और एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज लेस देन एक्स, ये चार ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। देखो तो हम फर्स्ट ऑप्शन को पहले ट्राई करते हैं, जैसा कि हम बताए थे y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी x कुछ पुट करेंगे तो उस पर y का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। तो जो पहला है हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखो ये सेट a है और ये भी सेट a है और इसका नाम f4, ठीक है, इसका नाम f1। वन टू थ्री फोर, ठीक है, और ये भी है वन टू थ्री फोर, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो x का वैल्यू यदि वन रखोगे तो वन क्या रखना होगा फोर, वन प्लस फोर फाइव होता है, यदि वन किससे मिलेगा तुम्हारा फोर से, ठीक है। एक्स का वैल्यू टू रखोगे तो वहां क्या मिलेगा थ्री, एक्स का वैल्यू थ्री रखोगे तो वहां क्या मिलेगा टू और एक्स का वैल्यू फोर रखोगे तो वहां का वैल्यू वन मिलेगा। तो ये फंक्शन फंक्शन होने के लिए जो नियम है सेट फर्स्ट में कोई खाली नहीं बचना चाहिए और सेट फर्स्ट का एक एलिमेंट ज्यादा के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये दोनों ही चीज मेंटेन है, यानी एफ फोर इज अ फंक्शन एफ ओ एक फंक्शन है, ठीक है। और सेकेंड चेक करते हैं, ठीक है, ऐसे तो आंसर क्लियर हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। ए और ये भी और यहाँ पर एफ ओ है वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर y इक्वल टू x प्लस वन, यानी x का वैल्यू वन रखोगे तो y क्या मिलेगा टू, x टू रखोगे तो y क्या मिलेगा थ्री, x थ्री रखोगे तो y क्या मिलेगा फोर और x फोर रखोगे तो y क्या मिलेगा फाइव, वो है ही नहीं, यानी फोर खाली रह गया। फर्स्ट सेट में अगर खाली होता तो फंक्शन नहीं होता, यानी एफ वन इज नॉट फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, एबीसीडी दिया हुआ है, ठीक है। हम चेक करें सारे ऑप्शन को, ऐसे आंसर क्लियर हो चुका है ये, ठीक है, फिर भी चेक करें, चलो सी ऑप्शन को चेक करें, ये ए और ये भी ए और इसका नाम दे दिया है कैसे F2, ये सब नाम है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन F2 सब नाम लिखा गया। अब देखो बेटा ये वन टू थ्री फोर,
वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब देखो यहां पर x प्लस वाई इज ग्रेटर देन फोर, x वन रखेंगे तो y क्या रखना होगा, फोर। x टू रखेंगे तब भी y फोर, और y थ्री भी हो सकता है क्योंकि दोनों का सम फोर से ज्यादा होना चाहिए। यही पर फेल हो गया, एक एलिमेंट दो के साथ मिल गया, फिर जो आगे देख लेंगे थ्री पर क्या मिलेगा, फोर भी मिलेगा, थ्री भी मिलेगा और टू भी मिलेगा, ठीक है। और फोर पर क्या मिलेगा, सारा मिलेगा, फोर भी, थ्री भी, टू भी और वन भी, ठीक है। दैट इज एफ टू इज नॉट अ फंक्शन, एफ टू इज नॉट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन डी, ए और ए भी ए, इसका नाम दे दिया क्या चीज, एफ थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। अब यहां पे कह रहा है वाई इज लेस देन एक्स, एक्स का वैल्यू वन रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो खाली रह गया, टू मिलेगा वन से, थ्री मिलेगा टू से भी और वन से भी, फोर मिलेगा थ्री से भी, टू से भी और वन से भी। यहाँ तो खाली भी बच गया, एक एलिमेंट ज्यादा के साथ मिल रहा है तो फंक्शन नहीं है, यानी एक्चुअली इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। एक्चुअली नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको आप लोग नोट कर लो और इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा एक क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, देन एफ ऑफ टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ, जितना भी क्वेश्चन सभी करवाया है, बहुत सारे स्टेट लेवल एग्जाम में एनडीए जेईई सब में पूछा हुआ है कहीं कहीं, ठीक है। तो आप लोग उसको सीरियस लेना, देखते हैं कैसे बनाएंगे। f of 2x upon 1 plus x square निकालना है, तो इसमें ना fx में x के जगह पर ये पुट कर दो, क्या होगा, log of 1 minus 2x by 1 plus x square upon 1 plus 2x by 1 plus x square, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो तो देगा log of क्या चीज, 1 plus x square minus 2x by 1 plus x square plus 2x is equal to log of 1 minus x whole square upon whole square, ठीक है। Finally, result क्या हो गया, f of 2x by 1 plus x square is equal to 2 power 2 है तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into log 1 minus x by 1 plus x, ठीक है। और वो फिर से फंक्शन एफ एक्स आ गया, यानी ये हो गया 2 into एफ एक्स। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है बेटा, नोट करो। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन बाय वाई, देन एफ वाई इज इक्वल टू, एफ वाई को ना एक्स के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो बेटा, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो एफ वाई निकालते हैं, एफ वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई अपॉन y माइनस वन, और y का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करना, y का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, x माइनस वन बाय x, तो ये हो गया x माइनस वन बाय x अपॉन x माइनस वन बाय x, माइनस वन
इज इक्वल टू x माइनस वन फाइव, x x कैंसिल हो गया, x माइनस वन माइनस x ये हो गया तुम्हारा x माइनस वन बाय माइनस वन, फाइनली क्या हो गया वन माइनस x। कौन सा ऑप्शन होगा? डी, डी इज करेक्ट। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स, ठीक है, देन फाइंड एफ ऑफ वन माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स, ठीक है, ये निकालो। ये एनडीए में पूछा होगा, आईएएस के लिए नहीं पूछा होगा, ठीक है, समझना सही से क्या है ऐसे देखते हैं बेटा। तो एफ यहाँ पे ना एक्स के जगह पे रिप्लेस करो, जैसा कि यहाँ दिया है वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। थोड़ा कैलकुलेट करो इसको, तो क्या देगा वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स। यहाँ से तुम्हारा x कैंसिल हो गया और यहाँ से तुम्हारा वन कैंसिल हो गया, यानी टू एक्स बाय टू फाइनली क्या हो गया x, ये इसका आंसर, ठीक है। बड़ा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, ये आई एस पी टी में पूछा है 2005 में, एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, देन फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय एक्स, है ना, जहाँ पे x पॉजिटिव दिया होगा, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं बेटा, हम करने वाले हैं fx प्लस f ऑफ 1 बाय x, ठीक है, fx तो पता ही है 1 माइनस x अपॉन क्या चीज 1 प्लस x प्लस f ऑफ 1 बाय x, तो s के जगह 1 बाय x पुट कर दो, 1 माइनस 1 बाय x बाय 1 प्लस 1 बाय x, ठीक है। थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, तो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस ये हो गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस, ठीक है। फाइनली अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट देता है क्या, वन माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, यानी जीरो आ गया, ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वन वन भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और पूछ रहा है f of fx plus f of 1 by x, यानी फाइनली हो गया f of क्या चीज़ 0, और f 0 का मतलब हो गया fx जो है ना उसमें x के जगह पर 0 पुट कर दो, 1 minus 0 upon 1 plus 0, फाइनली क्या आ गया 1, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। सोच करो, देखो बेटा एक क्वेश्चन है हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा होगा, एनडीए में पूछा होगा, स्टेट लेवल में पूछा होगा, ठीक है। लेट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहां पर a नोट नहीं करने दिया है, नाउ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स है वो नीचे दिया हुआ है, फर्स्ट y इक्वल टू 2 अंडर रूट ax एक्सप्रेसेस y एज अ फंक्शन ऑफ x, स्टेटमेंट 2 दिया है y इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ax एक्सप्रेसेस y एज अ फंक्शन ऑफ x, और स्टेटमेंट 3 दिया है y इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ax एक्सप्रेसेस y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, व्हिच ऑफ दीस इज या आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 एंड 2, यानी 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, और ओनली 3 सही है, ठीक है, तो देखना कौन सा करेक्ट सॉल्यूशन। जो मेन फंक्शन है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, नहीं इसी को जब करेक्ट करोगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2 अंडर रूट ax, प्लस माइनस 2 अंडर रूट ax, ठीक है, इस ये तो कंप्लीट पैरा बोले है, आप लोग जानते हो तो कंप्लीट पैरा बोले है, तो हम जान जैसा कि जानते हैं कि y का पैरेलल लाइन जो है
इसको एक से अधिक बार टच करना है, ठीक है। देखो दैट इज ये फंक्शन नहीं है, यानी थ्री वाला गलत हो गया। नहीं तो जाहिर सी बात है कि थ्री जिसमें जिसमें वो गलत हो जाएगा, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, बचेगा कौन? ए, यानी ए ही सही होगा सर। तो देखते हैं, अगर हम ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये है y is equal to plus minus of 2 under root ax, ठीक है, या y square is equal to 4 ax। और ये जो ग्राफ है ये है y is equal to 2 under root ax, ये कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। देखो एक बार कट कर रहे हैं, और अगर ये नीचे की तरफ होगा ये ग्राफ होगा y इक्वल टू माइनस टू अंडर रूट ऑफ ax, ये भी फंक्शन है, यानी कि टू अंडर रूट ax और माइनस टू अंडर रूट ax इंडिविजुअली फंक्शन है, लेकिन प्लस प्लस रहेगा तो ऊपर और नीचे दोनों हो जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यानी वन और टू स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नोट करो। देखो बेटा, हम कुछ क्वेश्चन डोमेन से रिलेटेड करवाते हैं, जेई का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है ना, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये जेई 2002 में आया है, ठीक है, आईआईटी 2002। क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 6, तो इसका डोमेन बताना है, ठीक है। तो बेटा इनवर्स का डोमेन रेंज ये सब क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम आप लोग बता देते हैं, अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन होता है माइनस वन से प्लस वन, ये याद रखना, आगे इनवर्स त्रिभुज में इसको पढ़ाया जाएगा। और इसका रेंज होता है माइनस तारा टू टू प्लस तारा टू, ठीक है। अगर एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन होगा ऑल्सो माइनस वन टू प्लस वन, बट इसका रेंज होगा जीरो टू पाई, क्लोज इट। और अगर एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स और रेंज होगा माइनस पावर टू से प्लस पावर टू, बट ओपन इट होगा, ठीक है। तो और कुछ फॉर्मूला हम आगे बताएंगे, और हम आप लोगों को फंक्शन का डोमेन और रेंज का लिस्ट दे देंगे, उसको आप लोग याद रखना, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे, तो साइन इनवर्स टू एक्स प्लस पावर सिक्स क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहां से निकालोगे साइन इनवर्स 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चाहिए? माइनस पावर 6। और अब यहां से देखो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चाहिए? साइन ऑफ माइनस पावर 6, यानी कि 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? माइनस 1/2, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? माइनस 1/4, ठीक है। और एक बात, चूंकि हम साइन इनवर्स का डोमेन पढ़े थे माइनस वन से वन, साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो माइनस वन से वन होना चाहिए, तो माइनस वन से टू एक्स का वैल्यू प्लस वन होना चाहिए, यानी माइनस वन बाय टू से एक्स का वैल्यू क्या चाहिए? प्लस वन बाय टू होना चाहिए। अब इसमें और इसमें इंटरसेक्शन करता है, ठीक है, माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय फोर और प्लस वन बाय टू, एक आंसर है माइनस वन बाय टू से प्लस वन बाय टू, दूसरा आंसर है माइनस वन बाय फोर से इन्फिनिटी, दोनों में इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? माइनस वन बाय फोर टू वन बाय टू। तो फाइनली जो डोमेन हो गया इसका माइनस वन बाय फोर टू वन बाय टू, ठीक है। और ये इसका आंसर है। और यहाँ देखो साइन इनवर्स जो है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इनइक्वालिटी यहाँ चेंज नहीं हुआ है। अगर यहीं पर कॉस इनवर्स देते कुछ और आंसर होता, तो मैंने इसके एक एग्जांपल देते हैं कॉस इनवर्स लेकर के। कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग होता है, वो आगे पता चलेगा जब हम ग्राफ सीखेंगे, इसके जस्ट बाद ही क्लास में हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे,
और फिर इनवर्स ट्रिगोन, सब कुछ को बारीकी से समझो। कुछ पॉइंट नहीं समझ में आएगा अंडरलाइन कर लेना और आगे के लिंक से वो फिर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझना है सही से। हम हर एक क्वेश्चन को जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा है वो डील करेंगे ऑलरेडी। कहीं कहीं जिसको जैसे पहले से नहीं नॉलेज है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो वो लोग को आगे सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, और बेसिक मैथमेटिक्स का भी लेक्चर हम रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, तो वो भी आप लोग सिंसियरली देखना सही से। ठीक है, उसमें सारा डिटेल में हम सब कुछ बताएंगे, मतलब लॉगरिथम, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनइक्वालिटी एंड समथिंग, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको, आप लोग सही से देखना। ठीक है, देखो बेटा हम इसी पैटर्न पे एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं और ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सेम सेम दे रहे हैं, बस साइन इनवर्स की जगह पे हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स 2x प्लस पाई बाय 3 कर लेते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स 2x प्लस पाई बाय, डाटा थोड़ा चेंज कर दिया, पाई बाय 6 था, यहाँ पाई बाय 3 कर दिए, यहाँ कॉस इनवर्स कर दिए। बनाना सेम टाइप से है। ठीक है, याद रखने वाला बात इसमें ये है कि साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसमें अगर साइन इनवर्स x1 अगर ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2 है तब x1 भी ग्रेटर देन x2 होगा। ठीक है, और कॉस इनवर्स x जो है ना वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग, अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे है ये आप लोग आगे पढ़ोगे, तो ग्राफ से समझोगे, डिफरेंशिएशन अगर आता है तो वहां से देख सकते हो, डिफरेंशिएशन जिसका पॉजिटिव है वो इंक्रीजिंग होगा, जिसका नेगेटिव है वो डिक्रीजिंग होगा। और हम जब रेंज बताएंगे इसके जस्ट बाद, तो रेंज में भी हम डिस्कस कर देंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को थोड़ा। ठीक है, अभी तक का याद रखना। और यहाँ पर देखो क्या होगा, कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स x1 अगर ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x2 है तो इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है, यानी x1 जो है ना वो लेस देन x2 है। ठीक है, तो याद यही रखना है कि इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी जो है ना चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी का इसमें यूज होगा, अच्छा यूज होगा। ठीक है, समझ में प्रयास करो। फिलहाल तो स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे, तो cos इनवर्स ऑफ 2x प्लस पाई बाय 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। और यहां से देखो cos इनवर्स 2x इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या चीज, माइनस पाई बाय 3 इंप्लाइज दैट 2x इज लेस देन इक्वल टू, यहां इनइक्वालिटी चेंज कर दी क्योंकि cos इनवर्स लेस देन इक्वल टू cos ऑफ माइनस पाई बाय 3, यानी 2x is less than equal to cos minus theta equal to cos theta होता है। ठीक है, यानी cos pi by 3 also, यानी 2x is less than equal to 1 by 2, यानी x is less than equal to कितना 1 upon 4। ये तो एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट हम ये देखेंगे कि इसका cos inverse को डिफाइन करेंगे, यानी minus 1 से 2x का वैल्यू प्लस 1 होगा, यानी माइनस 1 बाय 2 से x का वैल्यू प्लस 1 बाय 2। अब हम इस दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 4 और 1 बाय 2, एक आंसर है माइनस 1 बाय 2 से प्लस 1 बाय 2, एक आंसर है 1 बाय 4 से लेस। इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ माइनस 1 बाय 2 से 1 बाय 2, यही इसका डोमेन होता है, माइनस 1 बाय 2 टू प्लस 1 बाय 4 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये दोनों बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन हम आईआईटी करवा रहे थे उससे ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा एक क्वेश्चन है आईआईटी 2000 में आया हुआ है, 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर y इक्वल टू 2 एंड y एज अ फंक्शन ऑफ x दैट फाइंड इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, यानी इसमें अगर y फंक्शन ऑफ x होता है तो उस फंक्शन का डोमेन बताइए, ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी y as फंक्शन ऑफ x then find डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को फंक्शन कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो क्या करेंगे,
टू टू डी पावर एस इक्वल टू टू माइनस टू टू डी पावर एस, और इसको इसमें लॉग ले लो, ठीक है, लॉग बेस टू ले लो, टू डी पावर एक्स इक्वल टू लॉग बेस टू ऑफ टू माइनस टू टू डी पावर एक्स, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो, टू टू डी पावर वाई कर दो, देखो बेटा अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाई पावर बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, वाई इंटू लॉग टू बेस टू इज इक्वल टू लॉग बेस टू ऑफ टू माइनस टू टू डी पावर एक्स, ठीक है। अब ये लॉग टू बेस टू क्या होता है, वन, यानी कि वाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग बेस टू ऑफ टू माइनस टू टू डी पावर एक्स, यही फंक्शन है, ठीक है, एक्चुअली। और उसी फंक्शन का डोमेन चाहिए, ये स्टेप को मैं स्किप कर सकती थी, ये स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप दिखा जा सकता है, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला ही है, वाई इक्वल टू कितना और ये बेस टू है ना, लॉग में बताएंगे डायरेक्ट लिखने का तरीका होता है, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे लॉग में वो बता सकते हैं, इससे वाई इक्वल टू लॉग एक्स ऑन द बेस ए है, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर वाई होता है ना, इसी को उल्टा सोचो तो ये होगा नहीं, यानी ए टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू निकालना है log x on the base a, ठीक है, log x on the base, तो ये स्टेप एक्सपोनेंशियल डायरेक्ट log में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ प्रोसेस बता दिए, ठीक है। चलो अब इनपुट को पॉजिटिव करना log के लिए, ठीक है, 2 माइनस 2 टू द पावर x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव log डिफाइन करना है, यानी 2 टू द पावर x इज लेस देन 2 टू द पावर 1, दैट इज x इज लेस देन 1, है ना, यही डोमेन हो गया, दिस जो फंक्शन का डोमेन होगा माइनस इनफिनिटी से प्लस होगा, ओपन रहेगा, ठीक है, ये इसका आंसर, तो बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छे से समझना, इसी में अगर आप लोग बेस चेंज कर देते हैं, इसे बेस 1/2 कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ता थी, ठीक है, तो और स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, इस टाइप बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है, हम अगली क्लास में और क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग नोट करो, अभी हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं, वीडियो का लेंथ हम थोड़ा छोटा रखना चाह रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं उसको सही से समझना है और नोट करते जाना है सही से, ठीक है, अगली क्लास से प्रॉपर वीडियो को आगे हम बताएंगे और रेगुलर हम लोग क्लास इसका फंक्शन कर लेंगे, ठीक है, और पर डे आप लोगों को एक वीडियो इसका अपलोड होगा, और आप लोगों को भी जिस दिन वीडियो आएगा उसी दिन देखना है सेम डे, ठीक है, हम अभी तो बाहर हैं पटना से, दो तीन दिन बाद जब पटना आएंगे तो हम इसको दिन में जैसे कि 12-1 बजे वीडियो रेगुलर अपलोड करेंगे, और आप लोगों को उसी दिन शाम तक में देख लेना है और नोट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, और एक रूटीन बना के करेंगे हम साथ, ठीक है, और 11th का भी जो बचा हुआ पोर्शन है, जो पुराने स्टूडेंट्स थे, जैसे प्रमोटेशन का तो हो गया है, कॉम्बिनेशन है वो होगा, पैनोमियल होगा, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल भी होगा, ठीक है, और जो फ्रेशर है स्टूडेंट 11th के 10th क्लास स्टूडेंट, उसके लिए भी बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुका है, अभी 4 वीडियो अपलोड हुआ है यूट्यूब पे, और बाकी का वीडियो भी उसका रेगुलर रूप से अपलोड हम लोग करेंगे आगे, ठीक है, तो आप लोग जो न्यू स्टूडेंट्स आपके सर्किल में उसको भी चैनल का यूट्यूब का लिंक दे देना, वहाँ से वो लोग पढ़ सकता है, कुछ दिन के बाद हम लोग लाइव क्लास भी लेंगे, जब पटना आएंगे तो लाइव क्लास भी कंडक्ट करेंगे, या तो जूम पे या यूट्यूब पे, जैसा हम देखेंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू।